मैं उस साइड आवाज नहीं आएगी इसमें। ये सेम इसको निकाल दे। सलाम अलैकुम बोलो। वालेकुम। तुम सेट करें। आवाज नहीं है इसमें। हम निकाल दे रहे हैं। इसको लगाए रखो ना, ये रिकॉर्डिंग के लिए है माइक, इसमें स्पीकर नहीं है। तो टाइट है मेरे हाथ में। बोलो। अरे मम्मा इतना तो लगाए, कितने जोर जोर से गाने बज रहे हैं, मुझे अब तैयार नहीं करना है। बेटा गाने बंद कर दो, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बा जान, अब तो गाने बंद कर दो, अब तो तुम्हारे दादाजी भी आ गए, जाओ जाके उन्हें पानी पिलाओ। अरे अम्मी छोड़ी ना, खुद जाकर पी लेंगे। तुम तो अपनी चक्रों में लगी रहना, मैं जाके दादाजी को पानी पिलाती हूँ। जाओ जाओ अपना नंबर बढ़ाओ। बेटा खुश रहो। इधर 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 बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बहू बहू बहू। जी अब्बा आ रही हूँ। बहू ये लो मेरी तनख्वाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अब्बा जान। दादा जान आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मेरे लाल तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं। दादा जान मैं बहुत क्रॉकरी थी सारी की दिलाने का। अभी हमने आपकी अम्मी को पैसे दिए, जाओ उसे ले लो। अम्मी अम्मी अभी दादाजान ने आपको पैसे दिए, आप पैसों से हमारे लिए गर्मियों में अच्छे अच्छे सूट बना दीजिए। हाँ हाँ अम्मी। अच्छा तुम्हारे दादाजी ने ये कहा, मैं अभी जाके उन्हें देखती हूँ। अरे अब्बा क्या आपने मुझे पूरा खजाना दिया है, जो अब इन्हें भी मेरे पीछे लगा दिया। आपके खर्चे नहीं होते क्या? आप जाके दूसरी मुलाजिमत तलाश करें। या अल्लाह इस बुढ़ापे में दूसरी नौकरी। तो मैं क्या करूं, घर के खर्चे नहीं होते। जा अपने बेटे को बोल। आपको तो बस मेरे बेटे ही खटकते रहते हैं, अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। खुदा का खौफ करो, ये कैसी बात कर रहे हैं। दादाजान आपको क्या हुआ? अब्बा जान क्या हुआ? अब्बा जान मंतशा लामिया जल्दी आओ, इमरान हसीब को बुलाओ, देखो दादाजी को क्या हुआ। इमरान हसीब जल्दी नीचे आओ, देखो दादाजी को क्या हो गया। इधर 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 साइड खड़े पड़ने वाला हो जाएगा, फिर हम यहां से चले जाएंगे। दादा जान आपको क्या हुआ? दादा जान उठो, दादा जान। दादा जान आपको क्या हुआ? दादा जान उठो। अजीज डॉक्टर को फोन करो, इमरान अपने अब्बा को फोन करो। हेलो डॉक्टर साहब, अलीमा की बराबर वाली बिल्डिंग में आ जाए, मेरे दादा को भी तबीयत खराब है। उधर उधर चलो उधर चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाइए। अरे इनके बेटे को तो आ जाने दीजिए। तब तक बहुत ही देर हो जाएगा। इमरान अजीज अपने दादाजी को अस्पताल ले जाओ। हेलो अब्बू, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, आप अस्पताल पहुंच जाओ, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। इसको लेके जाओ लेके जाओ, उमर के साथ आना। मंतशा लामिया तुम दोनों कुछ पढ़ लो, अगर दादाजी नहीं रहे तो तनख्वाह भी नहीं रहेगी। लामिया तुम जो कुछ पढ़ लो, अगर दादाजान को कुछ हो गया तो लोग भी तो आएंगे, इसलिए मैं तैयार हूं। हां हां ठीक है मैं पढ़ती हूं।
तुम लोग उधर चले जाओ, आशीष इमरान उधर चले जाओ। अस्मा, डॉक्टर साहब ने कहा आपका तबीयत खराब होगा, काम पर नहीं जाएंगे, हम लोग उनकी खिदमत करने जाएंगे। मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप की खिदमत करूं या घर के काम करूं? मैंने नौकर का इंतजाम कर लिया, वो आते ही होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नौकर आपका ये दादा जान की खिदमत भी करेगा और घर के सारे काम भी करेगा। हाँ हाँ ठीक है, देखो मैं इसे कितने काम करवाती हूँ। मेरी तनख्वाह आपकी तनख्वाह 2000 रुपये, आज से आप काम पे लग जाओगे। इधर जाके बैठ जाओ। इधर उतरी उतरी। बेटा मुझे पानी दो। बेटा मुझे दवा दो। लीजिए अब्बा। ये देखो यहाँ गंदगी, इसे साफ कर दो। बेटा मेरा इस कमरे में दम घुट रहा है, मुझे बाहर ले चलो। मुझसे तो नहीं होते, मुझे तो नौकरी छोड़ के। ये सब क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारा नौकर तो नौकरी छोड़कर चला गया। तुम्हारे अब्बा के नाटक ही खत्म नहीं होते, कोई भी नौकर आएगा नौकरी छोड़कर चला जाएगा। इससे बेहतर यही है कि तुम अपने अब्बा को एनजीओ में दाखिल कर दो। वो मेरे वालिद हैं, उन्हें एनजीओ में कैसे दाखिल कर सकता हूँ, अभी उनका बेटा जिंदा है। मैं क्या करूँ, या तो तुम अपनी नौकरी कर लो या तो अपने बाप की खिदमत कर लो। चलो कल देखते हैं। ठीक है। ए खुदा, ये कैसा वक्त दिखा रहा है, मुझे मेरी औलाद बहुत समझ रही है और मुझे एनजीओ में भेजना चाहती है, कल सुबह मैं खुद ही चला जाऊंगा। हेलो, ये एनजीओ का नंबर है, मैं मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ। मेरी अपनी औलाद मुझे बहुत समझ रही है और मुझे एनजीओ में भेजना चाहती है, आप आकर मुझे। मेरा पता अलिकमा की बराबर वाली बिल्डिंग में, मकान नंबर 4, मुझे जल्दी आकर ले। बेटा मैं जा रहा हूँ, मगर इतना याद रखना मुझे एनजीओ होम में जगह मिल जाएगी, तुम्हें वहाँ भी। हाँ हाँ जाइए अब्बा जान। इधर मुँह करूँ, इधर मुँह करूँ। बेटा क्या बात है, इतनी तारीख हो गई अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई। तनख्वाह तो आ गई है पर हमारे अपने भी खर्चे हैं। उधर चेहरा करो, पैसे क्यों देंगे? चेहरा अब तो तुम्हारे दादाजी भी नहीं है, मैं घर कैसे चलाऊंगी? हमारी भी अपनी जिंदगी है, हमारे पास फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है। हमें नहीं पता जब आप दादा अब्बा का भोग नहीं उठा सकते तो आप कब उठाएंगे? जाओ मत जाओ। क्या? क्या बात है? क्या बात है? कुछ नहीं, तुम्हारे बेटे ने तनख्वाह देने से इनकार कर दिया, वो कह रहे हैं कि तुम 3 टाइम जॉब करो। मुझे इन चक्करों मत डालो, मुझे टीवी देख लो। हसीफ तुम पीछे आओ, हसीफ तुम पीछे आओ। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख ना बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख ना बना, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या
अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। इनकी ममता ने बार हाल संभाला तुझको, इस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। इनकी ममता ने बार हाल संभाला तुझको, इस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। रहमते रहते मौला से कुछ गम नहीं साया इनका, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। कैसे पाया तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता। अपने माँ अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूँ अपने वालिद एनजीओ से लेने। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने वालिद को एनजीओ से लेने जा रहा हूँ। क्या तुम फिर उस आफत को लेने जा रहे हो? खबरदार, तुमने ऐसा कहा कि वो मेरे वालिद हैं, वालिद की रजा रब की रजा होती है। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हंसी भर जाओ। क्या हुआ बेटा, आप क्यों आए? अब्बा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपको मेरे वजह से घर छोड़ के जाना पड़ा। आप मेरे साथ घर चलिए, आइंदा आपको कभी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। गले लगो, गले गले गले। आइए, आप सब अपने अब्बा जान से माफी मांगिए। आइए, आप सब अब्बा जान से माफी मांगिए। अब्बा जान माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दादा जान माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। जाओ, बड़े तो बच्चों को माफ कर देते हैं, मैंने भी तुम लोगों को माफ। शुक्रिया अब्बा जान। चलो, सब लोग खड़े होकर सबको थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।